हेलो फ्रेंड्स, मैं आज दाल बाफले बना रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसे बनती है गांव में। और मेरी झलक दाल साफ़ कर रही है। उसके बाद आटा लगाना है। आटे को मैं झलक दाल साफ़ कर रही है तो मैं आटा लगा रही हूँ। नमक, इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ी हल्दी, थोड़ा जीरा, उसके बाद थोड़ा सा तेल, ताकि वो टाइट टाइट ना बने और अच्छे ना सॉफ्ट सॉफ्ट बने। और उसके बाद आटे को अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद पूरा अच्छे से मिल जाए, उसके बाद पानी से उसको गूथना है। उसके बाद अच्छे से गूथ लिया है मैंने अच्छे से। उसके बाद पानी गरम रखना है हमको। आटा आटा तैयार हो गया है ये गूथ के। उसके बाद इसकी छोटी छोटी लोई बनानी है। और फिर थोड़ा पानी गैस पे गरम रखना है। गरम रखने के लिए रख दिया है। तब तक मैं इधर आटे की लोई बना लेती हूँ छोटी छोटी। और उसके बाद पानी गरम होने के बाद उसमें डाल देना है एक, और फिर हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। आटे की लोई बनानी है छोटी छोटी और मैं ये बना रही हूँ। उसके बाद पानी गरम हो जाए तो उसमें डालना है। और अपने हिसाब से बना सकते हैं छोटी बड़ी लोई। मैंने छोटी छोटी बनाई है ताकि वह कच्ची ना रहे और अच्छे से पक जाए। उसके लिए गर्म पानी रखा है मैंने उबालने के लिए, तो वह अच्छे से पक जाएगी। और फिर पानी अच्छे से उबल जाए उसके बाद डालना है एक, और फिर उसको बेलन की सहायता से हिलाना है ताकि वह चिपके नहीं, इसलिए। और ये मैंने डाल दी है बाफले, छोटे छोटे लोई बनाई थी जो, तो उसके बाद इसको बेलन से हिलाना है, वो चिपके नहीं इसलिए। और वह जब पक जाएगी तो तैरने लगेगी। ये दाल मैंने साफ़ करी थी मेरे बाबू ने, उसको मैंने धो ली है। उसके बाद इसको अच्छे से धो लेना है। और फिर धो के रखने के बाद पानी निकाल के मैंने रख दिया है, धो ली है। अब जब तक मैं और बाफले उबालने के लिए रखे, उनको हिला के देख लेती हूँ कि वो पके या नहीं। तो ये पक चुके हैं, तैर रहे हैं ऊपर, तो ये अच्छे से पक गए। अब ये एक प्याज ले लिया मैंने, कुछ हरी मिर्च काट ली है, लहसुन जो मैंने कूट लिया है खलबत्ते में बारीक बारीक। उसके बाद बाफले जो उबालने रखे थे वो मैंने बंद कर दिया है गैस। और फिर कुकर को रखा है गैस पे, उसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच तेल। इसमें उसके बाद डालना है तेज पत्ते जो हमारे पास जो भी है। उसके बाद थोड़ा जीरा डालना है। जीरा डालने के बाद जब अच्छे से तेल गर्म हो जाए तो हरी मिर्च प्याज अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप। ये प्याज को अच्छे से पक रहे हैं। इसके बाद लहसुन डालना है। लहसुन डालने के बाद अच्छे से पक गए, उसके बाद इसको हिलाते रहना ताकि वो चिपके नहीं। उसके बाद मिर्ची डाल दी मैंने 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, और अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद थोड़ा सा मसाला डाल रही हूँ गरम, आधा चम्मच। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया मैंने, तो मिर्ची अच्छे से पक जाएगी। अच्छे से पकने के बाद उसमें बाफले डालने हैं। दाल डाल दी है मैंने, उसके बाद इसमें बाफले डालने हैं। वो डाल दी है, अच्छे से मिला ली है। उसके बाद जो बाफले वाला पानी था वो ही मैं उसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो दूसरा भी डाल सकते हैं। मैंने जो बाफले उबाले थे उसमें जो पानी बचा था वही मैंने दाल में ऐड कर दिया है। पानी को अच्छे से डाल के मिला ली है दाल को। उसके बाद बाफले डालना है जो मैंने बनाए थे उबाल के रखे हुए। बाफले डालने के बाद अपने हिसाब से पानी डाल दें उसमें, दाल अच्छे से पक जाए और वो बाफले चिपके नहीं। उसके बाद ये ढक्कन को बंद कर देना है। 3 से 4 सीटी आने के बाद
गैस को बंद कर दें। उसके बाद ठंडा होने के बाद निकाल सकते हैं आप। आपको अच्छी लगे रेसिपी तो आप भी बनाएं। हमारे यहाँ इस तरह से बनाते हैं गांव में दाल वाफले, तो आप भी बना के देखिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बताएं और आप भी बनाएं कैसी बनी है दाल वाफले। Really? Yeah, but it's a lot of different things. In fact, this round we can definitely buy first.